यस बेटा, पिछले वीडियो में हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। आइए हम डिस्क्राइब करेंगे एक्टिविटी टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। चलिए, हमने क्या किया बेटा, हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को हमने ड्राइंग बोर्ड पर रखा और थंब पिन से फिक्स कर दिया। जब हमने उसे थंब पिन से फिक्स कर दिया, तब हमने सेंटर में एक बार मैग्नेट रखी और सेंटर में बार मैग्नेट रखने पर उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री कर दी। जब हमने इसकी बाउंड्री कर दी पेंसिल से, फिर हमने क्या किया बेटा, इसके चारों ओर आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल किया। मैग्नेट के चारों ओर हमने क्या स्प्रिंकल किया, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल किया। जब हमने इसके चारों ओर आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल किया, तो हमने इसे टैप किया विद द फोर फिंगर लाइक दैट। दिस इज अ वे ऑफ टैपिंग। ये हमने टैपिंग किया इसके चारों ओर, और टैपिंग करने पर हमें इस तरह का पैटर्न बन गया, और ये पैटर्न जो हमें मिला, ये पैटर्न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये पैटर्न क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर क्या शो हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस जो अराइज होती हैं नॉर्थ से और एंड होती हैं साउथ से। मैग्नेटिक लाइंस, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। आइए एक और एक्टिविटी करते हैं बेटा हम। ये एक्टिविटी क्या है बेटा, पहले हमने आयरन फाइलिंग से की थी, अब हम मैग्नेटिक कंपास से करेंगे। एक्टिविटी, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्लॉट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटसाइड अ बार मैग्नेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करिए, क्या, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्लॉट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। कैसे करेंगे बेटा, मैग्नेटिक कंपास से करेंगे। चलिए, सेम प्रोसीजर है, कुछ पॉइंट्स तो सेम है बेटा पहले वाले, बस आयरन फाइलिंग की जगह कंपास यूज़ करेंगे। पहला, टेक ए ड्रॉइंग बोर्ड एंड फिक्स ए वाइट शीट ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग पिंस। हमने ड्राइंग बोर्ड लिया, उसके ऊपर वाइट शीट रखी, थंब पिन से फिक्स कर दिया। प्लेस द बार मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द पेपर एंड मार्क द बाउंड्री विद पेंसिल। सेम पॉइंट, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नीडल क्लोज टू एनी पोल ऑफ द मैग्नेट से नॉर्थ पोल। मतलब हमने किसी एक पोल के पास रखा, यहाँ मैंने नॉर्थ के पास रख दिया। जैसे हमने नॉर्थ के पास रखा, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया और नॉर्थ साउथ की तरफ। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर रखा, तो हमने क्या लिखा बेटा, टैप जेंटली द सरफेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। ध्यान देना बेटा, टैप जेंटली द सरफेस ऑफ ड्राइंग बोर्ड सो दैट द नीडल मूव्स फ्रीली ऑन पाइवोट, ताकि नीडल फ्रीली मूव कर सके। वेट फॉर सम टाइम फॉर कंपास टू एट रेस्ट। हमने यहाँ पर कुछ देर इसको रख के क्या किया, रेस्ट पे होने दिया। नाउ मार्क द नॉर्थ एंड साउथ। हमने यहाँ पर डॉट मार्क कर दिया नॉर्थ एंड यहाँ पर साउथ मार्क कर दिया। पोजिशंस ऑफ द कंपास नीडल एज ए डॉट्स ऑफ द पेंसिल। अब फिर हमने इसको उठा करके इस डॉट के पास रख दिया बेटा। गो ऑन मार्किंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, गो ऑन मार्किंग, फिर यहाँ पर रख दिया, फिर यहाँ पर रख दिया, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर रख दिया। इस तरह से हम मार्क करते चले गए और फाइनली हमने क्या देखा कि लास्ट डॉट यहाँ साउथ के पास आ गया। यहाँ देखिए बेटा, मार्क नॉर्थ साउथ पोजिशंस ऑफ द कंपास नीडल एज डॉट्स विद द पेंसिल। गो ऑन मार्किंग द नॉर्थ साउथ पोजिशन टिल इट रीचेज द अनदर पोल ऑफ बार मैग्नेट। ऑल द पेंसिल डॉट्स आर ज्वाइन टू गेट द स्मूथ कर्व्स। तो ये हमने सारे पेंसिल डॉट्स को इस तरह से ज्वाइन करवा दिए। फिर हमने क्या कहा, दीज कर्व इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, रिपीट इट 2 to 3 times अबव एंड बिलो टू गेट द स्मूथ कर्व्स। नाउ वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। तो हमने इसे 2 से 3 बार ऊपर और नीचे रिपीट किया और हमें क्या मिल गई बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके चारों ओर जो है वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? यस बेटा, वेरी गुड। एक बार फिर से इसे रिपीट करके आप देख सकते हैं बेटा, पॉज करिए, पीछे लेकर जाइए और इसे फिर से देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ। ये क्या बनाती है बेटा, क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ बनाती हैं। दे अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड क्या होता है बेटा, नॉर्थ से
आउटसाइड क्या है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड क्या है साउथ से नॉर्थ होते हैं। दे आर मैक्सिमम एट द पोल्स एंड क्लोजर एट द पोल्स, पोल्स के पास काफ़ी पास होते हैं ये, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, एग्जैक्टली राइट आंसर कि दे आर, यस एब्सोल्यूटली दे आर मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द सेंटर, सेंटर पर बहुत कम होती हैं। डिस्टेंट द मैग्नेटिक लाइन वीकर द मैग्नेटिक फील्ड, क्लोजर द मैग्नेटिक लाइन स्ट्रोंगर द मैग्नेटिक फील्ड। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन टू सर्कल। नेक्स्ट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है। वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, बिकॉज वेन अ प्लेस, वेन वी प्लेस ए कंपस किसी एक जगह पर रख देंगे, इट्स नॉर्थ, इट्स नॉर्थ पॉइंट्स, ध्यान देना बेटा क्या है, इट्स नॉर्थ ओनली पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन, उसका नॉर्थ एक ही तरफ आएगा। ये देखिए, मान लो मैंने कंपस रख दिया यहाँ पर, तो ये इसका नॉर्थ एक ही तरफ आएगा बेटा, दोनों तरफ तो आ नहीं सकता। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी, देन देयर विल बी ए टेंजेंट, देयर विल बी टू टेंजेंट्स, मतलब दो डायरेक्शन, दैट इज टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर कंपस रख दें तो वो किसी एक ही तरफ आएगा नॉर्थ, दो तरफ तो आ नहीं सकता, तो जहां नॉर्थ पोल आएगा वही क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये थी बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ पंकज अरोड़ा SI इंस्टीट्यूट।